नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित नक्सली संगठन लल्लन जेपीसी के नाम से कार्यरत कोल कंपनी में फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। तदुपरांत पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के द्वारा एक टीम का गठन कर लगातार छापेमारी एवं निगरानी की जा रही थी। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनातू और लाजीदाग क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेपीसी के कमांडर व सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ की बटालियन पुलिस की संयुक्त टीम का गठन करते हुए योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान हजारीबाग पुलिस व सीआरपीएफ बटालियन की कामयाबी मिली है। बता दें कि इस पूरे मामले में 5 उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका पहले भी आपराधिक इतिहास रह चुका है, जिनके पास से कई सामग्रियां बरामद की गई हैं। बड़े पैमाने पर सामग्रियों की बरामद की गई है और पर्चा और एक काले रंग का स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया गया है। उक्त जानकारी शुक्रवार को एसपी हजारीबाग के प्रेस वार्ता के दौरान दी। उनके पास बरामद हुए है साथ ही लिक्विड जिलेटिन और डिटोनेटर, जो कि एक एक्सप्लोजिव है जो ये लोग आईडी या इस तरह के कामों में यूज करते हैं, वो भी हम लोगों ने इनके पास से बरामद किया है। साथ ही लेवी या रंगदारी मांगने के लिए जो पर्चा ये लोग इस्तेमाल करते हैं जेपीसी का, उसका भी बंच हम लोगों ने बरामद किया है। जिस पर्चे से इन्होंने धमकी दी गई थी एलएनटी की बैचिंग प्लांट में, उस पर्चा को भी हम लोगों ने बरामद किया है। तो ये कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो जा रहा है कि ये सेम गैंग है जिन्होंने वहाँ पर फायरिंग की थी। तो मुझे लगता है हजारीबाग पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस का एक संयुक्त रूप से अभियान चला।